नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टारगेट 9 अगस्त की हमारी सीरीज चल रही है, अंतिम दिनों की हम तैयारी कर रहे हैं और 20 में से 20 अंक लाना हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, साइंस का भाग 9 है जिसमें हम पिछले 20 साल के जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों RRB का इतिहास रहा है, पुराने प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। तो दोस्तों, पहला सवाल है, साधारण रूप से उपयोग में होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है, सभी को मालूम है, नियोन गैस भरी जाती है। टंगस्टन का तंतु लगा होता है और बिजली के बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है, एक तरह की नोबल गैस के रूप में सामने आती है। चलिए दूसरा सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सिंपल है, बैक क्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग मैडम क्यूरी भी करे आते हैं, दोस्तों मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, किस पर निर्भरता रहती है। तो दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर रहती है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसका भी। ध्वनि का वेग, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, मैं उन्हें पूरे नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, जो सही जवाब है वो बताता हूँ। सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है, जो ध्वनि का वेग है ना वो सूखी हवा से नमी का हवा में अधिक होता है। देखिए मैं कुछ उदाहरण बताऊं, यदि आप वर्षा के बाद अपनी आवाज़ दें तो वो अपेक्षाकृत, या रात में आवाज़ दें तो वो अपेक्षाकृत ज़्यादा दूर तक जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप दिन में आवाज़ दें तो अपेक्षाकृत, क्योंकि दिन थोड़ा सा नम रहता है, सूखा रहता है, तो वो अपेक्षाकृत कम जाएगी। तो कहा जा सकता है सूखी हवा में नमी की हवा में अधिक होती है, ठीक है। पांचवा सवाल है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी है। तो दोस्तों वो है लोहे और क्रोमियम की, ठीक है, FeOCr की। छठवा सवाल है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। तो दोस्तों पानी का चीनी में घुलना एक तरह का भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस ऑफ प्लास्टर का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका CSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, पूछा जाता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो याद रखिएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, साइट्रिक अम्ल होता है, विटामिन सी होता है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए नींबू खट्टा रहता है। चलिए वायु क्या है दोस्तों, एयर क्या है, व्हाट इज एयर। तो दोस्तों एयर एक तरह का मिश्रण है जिसमें सभी तरह की जो वायु मतलब तत्व हैं वो मिश्रित रहते हैं। चलिए हंसाने वाली गैस कौन सी है, N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। दोस्तों फार्मूला आपका ये हो गया, यहाँ पर हो गया फार्मूला आपका, हो गया N2O, ठीक है, हंसाने लाफिंग गैस है। अगला पूछा जाता है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, ये बहुत बार पूछा जाता रहा। तो यूरेनियम U92-235 सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की कठोर स्थाई कठोरता का कारण क्या है, जल जो स्थाई रूप से कठोर होता है उसका कारण क्या है। तो दोस्तों उसका सही जवाब है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, जल की स्थाई कठोरता का कारण है। तेरहवा सवाल है, अपमार्जक क्या होते हैं। तो दोस्तों अपमार्जक शोधन अभिकर्ता, ये एक तरह के अपमार्जक होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, बस आपको रटना है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है, जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है वो क्या उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों वो अल्फा किरण भी करेगा, बीटा किरण भी उत्सर्जित करेगा, गामा किरणें भी करेगा, यानी कि उपयोग सभी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 78% है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, ऑक्सीजन 21% समथिंग है। सोलहवां सवाल है, परमाणु नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अवयव होते हैं, P+N। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत अपघट्य है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, विद्युत अपघट्य है। अठारहवां सवाल है, स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों क्रोमियम की मात्रा अगर बढ़ा दें तो स्टील जो है ना वो अधिक कठोर हो जाएगा, CR 24 मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला होता है, 24 परमाणु क्रमांक होता है, क्षमा करें,
शुष्क बर्फ क्या होती है? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ होती है, ठीक है। भारत के किस राज्य में चांदी सबसे ज़्यादा उपलब्धता होती है? तो दोस्तों गुजरात में चांदी या एजी की सर्वाधिक उपलब्धता है। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? यानी कि अश्रु गैस, बुलेट भी देखा होगा आपने, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, बेसिकली क्लोरीन और क्लोरीन उसका प्रमुख अवयव है। 22वां सवाल है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं, जिसमें प्रोटॉन जो है उसका परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। धोने का सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है दोस्तों? तो Na2CO3 धावन सोडे का प्रमुख सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। 24वां है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो है ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? हीरा है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है, प्लेटिनम है? तो दोस्तों जो हीरा है सबसे सख्त है, सबसे कठोर मानी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ये दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ है। चलिए दोस्तों 28वें सवाल पर ही जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों साबुन बनाने के लिए बेसिकली वनस्पति तेल, ठीक है, इनका हाइड्रोजनीकरण वगैरह किया जाता है और साबुन बनाने के लिए यूज होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैसें मुख्य रूप से कौन सी हैं? तो दोस्तों मीथेन गैस खाना प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैसों में से प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस भी नहीं होती है, ठीक है, ये खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है। वैसे जो नीली लौ निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की निकलती है, ठीक है, तो लेकिन गैस के रूप में आपको मीथेन को ही देना है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, सीरीज़ 9 थी, निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।